सबसे पहला हम लोग यहाँ पे, हम लोग अभी तक जेम के बारे में देखा, अभी हम जेम पे लॉग इन हो जाए। लॉग इन करने के लिए यहाँ पे बायर्स होने दीजिए, सेलर होने दीजिए, आपको लॉग इन वहां से बायर्स में जाके बायर्स में करना है, सेलर में जाके सेल, दोनों के लिए लॉग इन का पोर्टल सेम। यदि आप बायर्स में करते तो भी लॉग इन आई डी डालेंगे तो बायर्स का पोर्टल खुलेगा, सेलर का लॉग इन आई डी डालते हैं तो सेलर का खुलेगा। मैंने आईडी डाला, पासवर्ड डालेंगे और सबमिट। ये मेरा जेम का साइट मेरा खुल चुका, इस तरीके से खुलेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रोफाइल, तो प्रोफाइल्स कैसे देखते हैं, यहाँ पे माय अकाउंट में जाइए, माय अकाउंट में जाने के बाद आपका आपका प्रोफाइल नजर आएगा। यहाँ पे आपके प्रोफाइल, जब तक यहाँ पे ये यह आपका 100% इन सेंस 100% नहीं चाहिए, ये सब डिटेल, बैंक डिटेल्स, ऑफिस लोकेशन, कंपनी डिटेल्स, पैन कार्ड, ये यदि आपकी कंपनी पार्टनरशिप कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो यहाँ पे आपको अलग से की वेरिफिकेशन करवाना पड़ता, तो वो मैंडेटरी नहीं है, नहीं तो यहाँ पर तभी 100% नहीं दिखता है, 90% दिखता है, तो उस कंडीशन में भी आपका प्रोफाइल क्लियर हो जाता है, वो आपको मैंडेटरी नहीं दिया है। पर जब तक आप ये सब वेरीफाई नहीं कराएंगे तब तक आप कैटलॉग नहीं बना सकते, यहाँ पे कैटलॉग बनाने का आपको परमिशन नहीं मिलेगा, हम लोग कैटलॉग के बारे में इसके बाद देखेंगे। तो ये आपका इंसॉर्ट, आप जब तक ये वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक आप आगे जेम पे आप आगे नहीं जा सकते, जेम के पोर्टल पे आप आगे नहीं जा सकते, इसलिए आपको ये सब वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शनल में है टैक्स असेसमेंट, यदि आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न है तो आपको यहाँ पे टैक्स असेसमेंट करवाना पड़ेगा, आपको आईटीआर, आपका आईटीआर डाल के आईटीआर टाइप, असेसमेंट ईयर, प्रॉफिट एंड गेन, इसके हिसाब से ये पूरा फिगर क्लियर लिखना पड़ेगा, इसके हिसाब से ये टैक्स असेसमेंट करेगा। इसका यूट्यूब के पे ऊपर मेरा वीडियो भी है टैक्स असेसमेंट का, इनकेस किसी का टैक्स असेसमेंट नहीं हुआ है तो हम उनको वो टैक्स असेसमेंट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको लोगों को करके दिखाऊंगा। एमएसएमई, यहाँ पे उद्योग आधार, जनरली अभी उद्योग आधार बंद हो रहा है तो उद्यमी बोल के एक आ रहा है रजिस्ट्रेशन, शायद यहाँ पर भी वो बाद में अपडेट हो जाए, फिलहाल अभी उद्योग आधार है तो यूएम नंबर आपको मिल जाएगा, मोबाइल नंबर और सेफ। यदि आपने स्टार्टअप कंपनी है तो स्टार्टअप का आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, ये आपके लिए ऑप्शनल है, ये कोई भी आपके लिए मैंडेटरी नहीं। टैक्स असेसमेंट आपको बहुत हद तक मैंडेटरी है, टैक्स असेसमेंट आप यदि नहीं करते हैं तो आपको बीड में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दिया जाता। आप कैटलॉग बना सकते हो, यहाँ पे दो टाइप के परचेज होते हैं, डायरेक्ट परचेज, एक इनडायरेक्ट परचेज। हम जब अमेजन में कोई भी चीज परचेज करते हैं इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट परचेज, हमने इसको परचेज किया, ऑर्डर दिया, पेमेंट किया, डन। अभी जो सेलर है वो हमारे घर में मेरा ऑर्डर मेरे पास डिलीवरी कर देगा, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट परचेज। इंडा इस यहाँ पर भी सेम होता है, यदि आपको कोई भी ऑर्डर मिला तो आपको भी इस तरीके से पैकिंग करके उनको डायरेक्ट पहुंचा, यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आपका परचेज आपको डायरेक्ट आपके घर पे पहुंच जाएगा, मतलब डिपार्टमेंट लोग कोई भी चीज को प्रोडक्ट को डायरेक्ट परचेज करते हैं, पर उसकी कुछ लिमिटेशन है, डायरेक्ट परचेज 25,000 तक कोई भी आइटम को डायरेक्ट परचेज कर सकते, 25,000 से ऊपर उसको इनडायरेक्ट परचेज में करना पड़ता है, जिसको हम लोग बीड बोलते हैं या आरए बोलते हैं, बीड या आरए। तो बीड आरए के थ्रू से अपने को इनडायरेक्ट परचेज करना है, उसके से भी कम अमाउंट को भी वो लोग बीड कर सकते हैं, पर उससे नीचे के उसकी मर्जी है, 25,000 या 25,000 से नीचे का वो बीड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं, पर उसके ऊपर आप उनको बीड करना ही पड़ेगा, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट परचेज भी बोलते हैं। ये एज ए रूल है, इसके हिसाब से आप उसको चलना पड़ता है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट परचेज में ही बेच पाएंगे यदि आप यहाँ पे टैक्स असेसमेंट नहीं करते हैं, तो ये कुछ कंडीशंस है इसके प्रोफाइल आपका जेम का, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो सबसे पहला जिनका भी लॉगिन है, ये आपका प्रोफाइल 100% है क्या वो मुझे पहले बताइए। यस सर, है 100%। देवाशीष सर का है, प्रवीण सर आपका
नहीं है सर, यूज ही नहीं किया है, बहुत दिन हो गए, देखना तो आप लॉगिन कीजिए। पड़ेगा वापस से करना। सबसे पहले आप लॉगिन कीजिए, लॉगिन करके मुझे बताइए। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि हम लोग एक एक स्टेप आप लोगों का सबका क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तब तक प्रवीण से आप लॉगिन कीजिए। राजेश सर आपका, राजेश सर मेरा कंप्लीट है। कंप्लीट। सचिन सर, हाँ सर, ओके चले। तो बाकी हम सभी का कंप्लीट है, तो आप लोग हम जिनका कंप्लीट नहीं है, आप पहले मुझे बताइए आपका कहाँ पे कंप्लीट नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे। टैक्स असेसमेंट सभी का कंप्लीट है? किसी का है जिनका टैक्स असेसमेंट कंप्लीट नहीं है? टैक्स असेसमेंट भी कंप्लीट नहीं, तो टैक्स असेसमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो टैक्स असेसमेंट आपको उसके हिसाब से क्लियर करना पड़ता है। तो टैक्स असेसमेंट भी आपका कंप्लीट है? उद्योग आधार और स्टार्टअप से आपको ईएमडी में एग्जम्पशन और एक्सपीरियंस, ये सब में आपको यहाँ पे बेनिफिट। चलिए सर, सबसे पहले लॉगिन हो रहे थे। प्रवीण सर, सर आपका ही बचा हुआ है ना? तो सर आपका लॉगिन जैसे होने के बाद आप हमें इंटीमेशन कीजिए, हम लोग आपका प्रोडक्ट का, आपका यदि प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद माय एक्शन पे जाते हैं, तब तक हम लोग क्लास को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे माय एक्शन में है वेंडर असेसमेंट। वेंडर असेसमेंट हर किसी को करने की जरूरत नहीं है, यदि आपका प्रोडक्ट आप खुद ओएम हो, ओएम हो मतलब आप यदि खुद का प्रोडक्ट का खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आप ओएम वेंडर असेसमेंट में पार्टिसिपेट कीजिए, और अदरवाइज वेंडर असेसमेंट में आपको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। तो वेंडर असेसमेंट में यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको एक से आपका डिटेल्स प्रोडक्ट के बारे में आपको ये सब कुछ देना पड़ेगा असेसमेंट का। असेसमेंट में क्रिएट एग्जम्पशन रिक्वेस्ट, यदि आपका एमएसएमई में है तो आपको इसमें एग्जम्पशन में थोड़ा रिक्वेस्ट, एग्जम्पशन में ये भी मिलता है, छूट भी मिलता है, तो आपको यहाँ पे एक नया बना के क्रिएट न्यू असेसमेंट करना पड़ेगा, और आपको जो खुद का प्रोडक्ट है वो सब कुछ प्रोडक्ट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर भी आप नया प्रोडक्ट, नया कंपनी का नाम ये अपलोड करें। फिर यहाँ पे आपको लास्ट में एक पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा कंपनी के टर्नओवर के बेस पे, जिस तरीके से आपका टर्नओवर होगा उसके हिसाब से आपको पैसा चार्ज करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे तो आपको एक मेल आएगा, जिसमें जेम ने 2017 या 18 से दूसरे कंपनी को दे दिया है, मतलब वो भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की कंपनी है, उनको इसके जिम्मेदारी दे दिया है वेंडर असेसमेंट का, तो वो आपको मेल करते हैं। मेल में सब डिटेल्स बताएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या आपके कंपनी में एसेसरीज होना चाहिए, वो लोग आएंगे सब कुछ वेरीफाई करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे, यदि सब कुछ होके रहा तो आपको कंपनी का वेंडर असेसमेंट मिल जाएगा। जैसे वेंडर असेसमेंट मिल जाएगा, आपकी कंपनी का जो नाम है वो कंपनी जो कैटलॉग्स है वहां पे आपकी कंपनी का नाम डिस्प्ले हो जाएगा, फिर आपके रीसेलर या खुद आप उस प्रोडक्ट को जीएम पे सेल कर सकते, ये नए कंपनीज के लिए। हाँ, छोटा छोटा जो प्रोडक्ट है जैसे कि हैंड ग्लव वगैरह बहुत सारे चीजें हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स में वो लोग सिर्फ पेपर वर्क देखते हैं, वो आपके आके कंपनी में फिजिकली विजिट नहीं करते। तो बहुत टाइम पे ऐसे भी होता है कि फिजिकली विजिट नहीं करते, पर बहुत टाइम पे आपके पास फिजिकली भी विजिट करते हैं, तो जिस तरीके से उस कंपनी उनको जैसा लगता है, खासकर लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट को पास कर दिया गया विदाउट एनी फिजिकल विजिट, तो आपको उसके लिए जरूरत पड़ेगा यदि कोई कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है तो। अदरवाइज एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए सर। सर मैं ओएम हूँ, तो मुझे डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होने पड़ेंगे? डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट चाहिए क्या किसके लिए? ओएम के लिए? हाँ सर। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपको देता हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ओएम के।
ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा रहता है नेक्स्ट ईयर टू का, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देना। ओके सर, ठीक है, यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, आपको ये लिंक चाहिए तो मैं शेयर कर देता हूँ, यहाँ से आपको सब पता चल जाएगा वेंडर्स, यदि आपको ओएम पे कराना है। देखो ये जो SEBL कंपनी है, यही लोग आपका चेक करते हैं पूरा, ये लोग मेल करेंगे, क्रिजल MS क्रिजल लिमिटेड है, ये आपका पूरा सब कुछ चेक करेंगे, सब कुछ होने के बाद ही आपको उसका वेंडर असेसमेंट देते, कितना पैसा लगेगा, क्या एनुअल टर्नओवर होने से, ये सब भी इसमें हमने डिटेल्स में आप लोगों को दिया। वो लिंक शेयर कर दो मुझे, हमें लिंक चैट बॉक्स पे शेयर कर दो। आपका क्या है सर प्रोडक्ट? चिल्ड्रंस के लिए जो प्लेइंग इक्विपमेंट्स होते हैं ना वो स्पोर्ट्स के लिए, ग्राम पंचायत के लिए। अच्छा, ग्राम पंचायत मतलब पार्क वगैरह के लिए ना, या फिर स्पोर्ट मतलब खेलने के लिए, पार्क के लिए है? खेलने के लिए होते ना। हाँ वही हाँ, तो ठीक है, आपको फिर यदि आपकी कंपनी नहीं है वेंडर असेसमेंट में, तो आपको पहला वेंडर असेसमेंट करना पड़ेगा। रीसेलर पैनल है, रीसेलर पैनल में आपको रीसेलर पैनल आपको जब आप आगे करेंगे तो आपको रीसेलर पैनल में भी आपको जाके रीसेलर पैनल, यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ता, फिर भी आपको रीसेलर पैनल कभी जरूरत पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। रीसेलर पैनल का आपको जरूरत तभी पड़ता है यदि आपको कोई आप बड़ा आइटम बेच रहे हो, जैसे कि एसी का जो कैटलॉग है आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, एड न्यू ऑफरिंग में जाते हैं और आप एसी बेचना चाहते हो एयर कंडीशनर, तो आप यहाँ पे एयर कंडीशनर का कैटलॉग में नहीं बना सकते। जब तक एयर कंडीशनर का मेरे पास रीसेलर में रीसेलर पहले नहीं था, अभी से ये चालू हुआ गेम 4.0 से, देखो मुझे यहाँ पे एयर कंडीशनर का कैटलॉग बनाने को नहीं दे रहा है, किस लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं एयर कंडीशनर का रीसेलर का पैनल रजिस्टर नहीं किया। तो ऐसे कंडीशन में जैसे जो प्रोडक्ट है बड़े प्रोडक्ट, उसको वो प्रोडक्ट मुझे यदि बेचना है तो मुझे उसका रीसेलर का सर्टिफिकेट, रीसेलर का नंबर, सब कुछ यहाँ पे मुझे रीसेलर के पैनल पे जाके मुझे ये अपडेट करना पड़ेगा। जब मैं अपडेट करूंगा तो ही वो प्रोडक्ट मैं उसका कैटेगरी प्रोडक्ट बना सकता हूँ, उसका एक कैटलॉग तभी बना सकता हूँ, अदरवाइज मैं वो कैटलॉग यहाँ पे नहीं बना सकता, इसलिए यहाँ पे रीसेलर। यदि आप ऐसे छोटे प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो जिसका प्रोडक्ट आपको बनाने का परमिशन मिल जा रहा है, तो आपको रीसेलर पैनल की भी जरूरत नहीं। चेंज बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन, आप कंपनी को वन टाइम चेंज कर सकते, प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड कर सकते हो, प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप कर सकते हो, पार्टनरशिप से प्रोवाइड प्रोप्राइटर कर सकते हो, कैसे भी एक बार आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलता है यहाँ।